जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करी हूँ आपका फिर से साप्ताहिक राशिफल में। 17 जून से लेकर के 23 जून कैसा जाएगा आपके लिए, क्या क्या घटनाएं इस समय के आसपास आपके साथ होंगी, यही साथ आज जाने की डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर समय एक शंका, एक डर बना रहता है, न जाने आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर के आएगा। इसीलिए मैं हर सप्ताह हर वीक आती हूँ ताकि आपका राशिफल आपको बता सकूं और उसके माध्यम से आपको गाइड कर सकूं कि आने वाला समय ऐसा है। कोई बुरी घटना दिखाई देती है मुझे अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी विल पावर से सतर्क होकर के सावधानी से उसको अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको कम तो जरूर कर सकते हैं। और अगर समय आपको पता चलता है कि अच्छा है, ऐसी स्थिति में उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, सही निर्णय अपने जीवन के ले सकते हैं। इसीलिए राशिफल मैं आपको बताती हूँ। ये राशिफल बहुत विशेष है, किसी भी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र ज्योतिष की गणनाओं पर मैं नहीं बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त होती है, भगवान से जो भी कृपा मुझे मिलती है, उसके माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कनेक्ट होती हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। और आप ही लोग बताते हो, गुरु माँ आपकी बातें बताई हुई 100% मैच करती हैं, कई बार तो 1000% मैच करती हैं। कई बार हो सकता है, क्योंकि एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना आपके साथ या तो हो करके चुकी है या होने वाली है, लेकिन फिर भी उसको कंसिडरेशन में लेकर के हम चलेंगे। हमारे लिए ज्योतिष जो है वो कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है, और उसी को बताने के लिए हम यूट्यूब में आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। हर गुरुवार सिद्ध दरबार लगाया जाता है, जो बिल्कुल निशुल्क है। आपकी जन्म कुंडली देखना, जन्म कुंडली नहीं है तो आपके चेहरा को देख करके आपकी जन्म कुंडली बनाना, आपके फल को मंत्र सिद्ध करना, नारियल मंत्र सिद्ध करना, और आपको आपकी जन्म कुंडली प्रदान करना, और जो भी गाइडेंस हमें मिलती है आपको देना, ये सारी ही चीजें हम सिद्ध दरबार में करते हैं। नई दिल्ली में वेस्ट पटेल नगर में लगाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी अड़चन, देखो कोई भी अच्छा काम करोगे थोड़ी अड़चन तो आएगी, तो जो भी धर्म विरोधी है या हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तो एक से दूसरे को पता चलता है तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जगह जो हमारे पास थी वो छोटी पड़ती जा रही है, तो उसके कारण हम सभी लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। हमने तो प्रार्थना भगवान के चरणों में लगा दी है, आप लोगों के साथ भी ये परेशानी शेयर करते रहते हैं। किसी के पास भी दिल्ली के आसपास या पटेल नगर के आसपास कोई व्यवस्था बने तो अवश्य हमें बताएं, जहां हम कम से कम 500-600 लोगों से मिल सके, उनको आशीर्वाद प्रदान कर सके, उनकी जन्म कुंडली देख सके, और केवल थर्सडे ही नहीं हर दिन आप लोगों से मुलाकात कर सके। तो ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में लगा चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है किसी न किसी भक्त द्वारा शीघ्र ही वो व्यवस्था की जाएगी। तब तक के लिए एक छोटा सा सिस्टम रखा है, जो स्क्रीन पर आपके नंबर्स आ रहे हैं उसमें आपने कॉल करना है और कॉल करके अपना टोकन नंबर ले लेना है वेडनेसडे को। बाकी के दिन जो फोन है वो स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि फिर आप बार बार उस पर फोन करके तंग करते हो, तो 4 से 6 शाम के समय ये नंबर ओपन रहेगा जिसमें टोकन आपको वितरित किए जाएंगे। टोकन हमारे पास अभी बहुत लिमिटेड है, मात्र 50 लोगों से हर गुरुवार हमें मिलने की यहाँ पर अनुमति मिली है। इससे ज्यादा लोग आते हैं तो दूसरों को परेशानी होती है, जो हम नहीं चाहते हैं, तो उस पे कॉल करें। अगर टोकन आपका इस वेडनेसडे नहीं आता है तो घर से कृपया ना निकलें, हम भी नहीं चाहते आप धूप में गर्मी में परेशान हो, क्योंकि अभी हमारे पास आपके ठहरने की, आपके रुकने की, आपके खान पान की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जैसे होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे यूट्यूब के माध्यम से और आपसे जल्द ही मुलाकात भी करेंगे। जो लोग बाहर रहते हैं तो वो भी घबराए नहीं, बहुत सारे भक्तों से बातचीत चल रही है, जल्दी ही हमारा आपके शहर में आना होगा और वहां आपसे मुलाकात करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का राशिफल प्रारंभ करते हैं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ वो है कि कहीं किसी जगह जाने की तैयारी आप कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, या तो कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं, या किसी के घर जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा आपको अपने लुक्स के ऊपर काफी कॉन्शियस है। कुछ लोग पार्लर जा सकते हैं या अपनी वैक्सिंग वगैरह करा सकते हैं या अनवांटेड हेयर रिमूव करा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी जगह के लिए आप तैयार होकर के जा रहे हैं। इसके लिए काफी शॉपिंग भी कर रहे हैं
और कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को दिखाई दे रहा है जिससे आपके हार्मोन्स जो है वो चेंज होंगे इस हफ्ते में, और ज्यादा मोटे बाल आपके आ सकते हैं चिन एरिया के आसपास, हाथ पैरों पर या आपके अपर लिप पर, तो थोड़ा सा हार्मोन के चेंजेस इस हफ्ते में हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है तो वो इंक्रीज हो सकती है। इस समय में जो है अगर धन की दृष्टि से बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा और काफी स्टेबल रहेगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया है तो वहां से लाभ हो सकता है। जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे कि ठीक है, सब सही चल रहा है, उस चीज के लिए अच्छा है और अच्छा फील आप कर सकते हैं। इस समय में जो आसपास के लोग आपके बारे में कुछ भी कहेंगे लेकिन आपको उससे इफेक्ट नहीं होगा। आप काफी स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करेंगे। आप जो करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो करेंगे, और आसपास के लोग वो बोलने की कोशिश करेंगे, वो आपको बार बार तंग करने की भी कोशिश करेंगे, ताने मार के, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं और जो काम है जो आपको लगता है सही है वो करेंगे और उसमें आगे ग्रोथ भी होगा। तो अपने सही दिशा में है, उस दिशा पे बने रहिए। इस समय में आपको कोई ना अचानक से बिजली की तरह कोई आइडिया आ सकता है कि अच्छा ओ ऐसा होता है, तो ऐसा कोई आइडिया आपको अचानक से क्लिक हो सकता है जो कि शायद कहीं आपने पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आपको खुद से ही कोई चीज की रीजनिंग आ सकती है या कुछ समझ में आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनको कोई खबर भी प्राप्त हो सकती है आपके गांव से या आपके शहर से, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जहां मेजर आपके रिश्तेदार रहते हैं, वहां से आपको कोई खबर जो है इस हफ्ते में आ सकती है। मैंगो कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं, उनके घर में बहुत सारे मैंगो आ रहे हैं या आप लेकर के खरीद के आ रहे हैं। मैंगो बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अच्छे मैंगो आप खा रहे हैं। अगर पेड़ पौधों से संबंधित आपका काम है या फिर आपका काम सजावट का है तो उसमें काफी लाभ होता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। इस समय में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कोई है इन अ गुड सेंस, जैसे अगर आपका कोई काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ते बिगड़ते संभल जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु की कृपा मेरे साथ है, भगवान मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसी फीलिंग आ सकती है। कुछ लोगों के लिए हफ्ते में कुछ चमत्कार जैसी चीज भी घटित हो सकती है, अगेन जो आपको एकदम एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको लगेगा ओ माय गॉड ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ एस्टोनिशमेंट आपके लिए दिखाई दे रहा है। सिद्ध दरबार में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, भगवान शनिदेव की कृपा से एक और भक्त के साथ चमत्कार हुआ। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, फिर आगे आपका राशिफल बताते रहेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मैं गुरु माँ से 3-4 महीने पहले मिला था। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। उस टाइम मैंने वीडियो देखा था गुरु माँ का, फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ फ्री सेवा है सब कुछ, बस कुछ ऐसे उपाय बताते गुरु माँ जिससे सारे दुख दूर होते हैं। मुझे 100% उसमें आराम मिला है। मेरा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और हद से ज़्यादा परेशानी थी हमारे को। एक दो बार जब मैं गुरु माँ से मिला था तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बट अब जब भी गुरु माँ से मिलता हूँ तो बस हमारी हंसी नहीं रुकती। एक तरह से मैं बहुत खुश हूँ अंदर से भी और वैसे भी। हमारा बिजनेस भी दोबारा स्टार्ट हो गया है, जो हमें पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो भी हमें ठीक है। मैं गुरु माँ को बहुत बहुत सत सत नमन करता हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इस समय में आपको मेहनत भी करेंगे लेकिन मेहनत को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिवली थोड़ा सा बेटर होंगे, थोड़े से नए आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे, तो मेहनत भी है लेकिन साथ साथ में उसको एंजॉय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस से संबंधित बात करें तो बिजनेस में कुछ फेरबदल आप कर सकते हैं, कोई नया कार्य में कुछ आप कर सकते हैं या कोई नया आप डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से थोड़े फेरबदल हो रहे हैं। कोई स्टाफ आपका जा सकता है कहीं, तो उसलिए आप दूसरा स्टाफ हायर कर रहे हैं, तो मतलब कुछ चेंजेस आपके वर्क प्लेस पे होते दिखाई दे रहे हैं। जॉब की बात करें तो कुछ लोगों को नया जॉब जो है वो ऑफर हो सकता है या ज्वाइनिंग भी इस हफ्ते में हो सकती है, तो वो काफी अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसमें अच्छा समय जाएगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे। आप अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को व्यक्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी काफी सपोर्ट और काफी वार्मथ आपको फील होगा। अच्छा सप्ताह है प्रेम संबंध में बात करें। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छा समय है। आप कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जो काफी लोग जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, काफी लोग उसको देखेंगे, काफी लोग खुश होंगे, काफी लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेगी आपकी फैमिली पिक्चर या आपके फैमिली के अंदर जो खुशियां हैं वो, तो एक अच्छा समय उसके लिए दिखाई दे रहा है। मैरिज नहीं हुई है तो कई लोगों को मैरिज की तरफ की भी बातें आगे बढ़ सकती है या कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। इस समय में थोड़ा सा घर का काम बढ़ सकता है, तो वहां आपको घर का काम, अगर वर्किंग है आप और लेडीज हैं तो डबल आपका काम हो सकता है, जेंट्स हैं तो भी आपका काम, पता नहीं क्यों घर का काम बढ़ते हुए दिखाई
दिखाई दे रहा है, तो वहां थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये काम करना है, ये प्रायोरिटी में करना है, अभी अभी नहीं करना है, तो ऐसा करके मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी कोई दिक्कत नहीं करेगी, प्लेफुल रहेंगे, बस थोड़ा बैक में थोड़ा भारीपन लग सकता है, थोड़ा सा आपका मसल पुल हो सकता है, या आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जैसे मतलब भारीपन सा, अनइजीनेस है थोड़ा बैक में, पूरा होल ऑफ द बैक में, बस उतना सा, ऐसा कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं दिख रहा है। प्लेफुल रहेंगे, यूथफुल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कोई ना कोई मिल भी जाएगा आपकी पीठ दबाने के लिए सबके लिए। घर में पेट है तो उसके लिए थोड़े चिंतित हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है क्योंकि उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान आपके सारे कष्टों को हरे, जो भी समस्या आ रही है उसे दूर करे, आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।